वेलकम स्टूडेंट्स, तो हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ देखने वाले हैं। हमने पढ़ा है कि 7.2 एक्सरसाइज में हम जो मेथड यूज कर रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए, वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी अज्यूम करते हैं और उसको टी की फॉर्म में क्वेश्चंस को रिप्लेस करते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करते हैं एंड देन हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं इजिली। ठीक है, तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन में आते हैं, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx, ठीक है, इसे हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन आ जाता है, सर इसमें किसको t ले? देखो, जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर लो एक दो चीजों को अलग अलग टी मान करके। वैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो अगर हम नीचे रूट में x प्लस 4 है, अगर ये नीचे ना होकर के ऊपर होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन नीचे आ रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे सिंगल रूट डिजिट बनाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट x प्लस 4 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, t अज्यूम कर लिया कि x प्लस 4 इज इक्वल टू t। अगेन वही डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt by dx। तो हमें क्या मिल जाएगा इस केस में, dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब हम पूरा फॉर्म क्वेश्चन को t की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो आपको इसको x को भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा, तो कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 - t - 4। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास क्या जाएगी, t - 4। चलो पुट कर देते हैं x की जगह, तो x की जगह हमने पुट कर दिया t - 4 अपॉन रूट एक्स, एक्स प्लस 4 को हमने टी अज्यूम किया था तो ये तो बन गया रूट टी, और डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के। अब देखो इसे इंटीग्रेट करना है, इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे हमने लिख लिया टी अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी डी टी। ठीक है, चलो हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद अब क्या करते हैं, देखो यहाँ t की पावर 1 है, नीचे t की पावर हाफ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर, यार रूट टी से t कैंसिल हो गया डायरेक्टली, अरे सीधा लिख देते हैं, क्या बचेगा, t की पावर हाफ माइनस 4 तो कांस्टेंट है, ये t की पावर हाफ नीचे था, पावर नेगेटिव हो जाएगी तो t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा dt। चलो अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर देते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस 4, सेम यहाँ भी कांस्टेंट था 4, तो t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर माइनस का हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। ओके, चलो तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, देखो t की पावर 3/2 हो गया, डिनोमिनेटर में भी 3/2, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, t माइनस हाफ प्लस 1 तो ये भी t की पावर हाफ, और नीचे क्या बनेगा, प्लस का हाफ माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो गया प्लस सी। चलो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t क्या है हमारा, x प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 4 की पावर 3/2। ठीक है, और देखो आगे यहाँ 3/2 था तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 माइनस, ये भी 1/2 था, 1/2 2 ऊपर जाएगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, t की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे x प्लस 4, तो x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपली देखो सब्स्टिट्यूट किया हमने x प्लस 4 को और इंटीग्रेट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन में देखो आपको बस यही ट्राई करना है कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू को टी लें जिससे हम इंटीग्रेट कर पाए इजीली। ठीक है, चलो इसे हम ट्राई करते हैं, देखो अब इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे सॉल्व। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 dx। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। देखो यहाँ हम देख पा रहे हैं, अगर हम x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 को अगर इस x की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं x क्यूब माइनस 1 को t मान लूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। देखो कैसे समझते हैं, क्या किया हमने, इस x क्यूब माइनस 1 को क्या अज्यूम कर लिया, t, तो लेट x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट अगेन वही विथ रेस्पेक्ट टू x, सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल्स टू dt अपॉन dx, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 3, तो 3 हमने इधर डिवाइड में ले लिया। ठीक है, चलो अब पुट करते हैं, देखो क्वेश्चंस में थोड़ा इसको फॉर्म में, जो सब्स्टिट्यूशन हम करने वाले हैं उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं।
तो x क्यूब माइनस वन की पावर वन बाई थ्री को तो हमने एज इट इज रखा है, इस x की पावर फाइव को ब्रेक कर सकते हैं x क्यूब डॉट x स्क्वायर में। चलो ब्रेक कर लिया, ठीक है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो ये हमारे पास t है, x स्क्वायर dx की वैल्यू हमारे पास, x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt by 3, तो ये चला ही जाएगा। और x क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर ही सकता हूँ, यहाँ से अगर हम x क्यूब निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, t प्लस वन। चलो पुट करते हैं, x क्यूब माइनस वन को हमने t अस्यूम किया था तो ये तो बन गया t की पावर वन बाई थ्री, x क्यूब की वैल्यू t प्लस वन, चलो t प्लस वन, और x स्क्वायर dx क्या हो गया आपका, dt by 3। ये x स्क्वायर dx आपका किस में चलेगा, dt अपॉन 3 में। इस t की पावर 1 बाई 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट था तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 बाई 3 प्लस मल्टीप्लाई t की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर साइड होगी, तो 1 बाई 3 प्लस 1 क्या बनेगा, 4 बाई 3, ठीक है। तो t की पावर 4 बाई 3 प्लस t की पावर 1 बाई 3 ऐसा हो जाएगा dt। अब बस अभी से इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेशन कितना इजी है इसको, तो अब इजीली हम कर सकते हैं जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया है। तो 1 बाय 3 तो कांस्टेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 4 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 4 बाय 3 प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, प्लस t की पावर 1 बाय 3 ये सेम अप्लाई होगा x की पावर n से, तो t की पावर 1 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 3 प्लस 1, ये लो प्लस c है 1 by 3 as it is, t की पावर 4 by 3 plus 1 करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 7 by 3 upon 7 by 3, सेम यहां आएंगे प्लस t की पावर 4 by 3 upon 4 by 3 plus c, ठीक है। देखो जब t की वैल्यू पुट करते हैं क्या था हमारे पास, t क्या है हमारे पास, t की वैल्यू भाई x cube minus 1 रख दो, तो ये देखो क्या बनेगा, देखो 1 by 3 है तो ये 3 दोनों से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 7 by 3 था तो 3 by 7 होगा और 3 से 3 कैंसिल होगा, और 7 हमारे पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, x क्यूब माइनस 1 की पावर 7 by 3 अपॉन 7 प्लस वही सेम x क्यूब माइनस 1 की पावर 4 by 3 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमने एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस आपको अभी दिखाए हैं और देखे हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चंस हमने अभी कर लिए हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने और देखे, हम पूरे सॉल्यूशंस करने वाले हैं इंटीग्रेशंस के छोटे छोटे पार्ट्स में, कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, कुछ अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।